व्हाट्सअप गाइस वाना भाई। तो आज हम फिर से आ गए रेड के अंदर दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ के प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं, हमारा नया समन आ गया है तो मैं शार्ड को पुल शायद नहीं करूँगा। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा शार्ड्स हैं भी नहीं और नेक्स्ट फ्यूजन भी आने वाला है, उन्होंने बोल दिया है। तो आई थिंक 2 हफ्ते के अंदर नया फ्यूजन जो है आ जाएगा। तो अगर मैं अपने शार्ड्स पुल कर लूँगा तो फिर मेरे फ्यूजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, साथ साथ बहुत सारे सीक्रेट शार्ड हैं। होपफुली एक और सीक्रेट शार्ड मुझे मिल जाएगा मेरा फैक्शन वॉर से, मुझे बस 2 और स्टार चाहिए। तो होपफुली ट्राई मारूँगा आज इसके अंदर, अगर मुझे यहाँ मिल जाए या एक स्टेज 19 हो जाए तो मेरे को 2 शार्ड्स मिल जाएंगे, तो मेरे पास 6 सीक्रेट शार्ड हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं, हमारा 10x चल रहा है, खाली एक ही लेजेंडरी चैम्पियन का है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए सीक्रेट शार्ड आप पुल करेंगे, चांस आपका उतना ही है, जितने परसेंट आपका जो चांस होगा 0.5% या 0.6%, तो उतना ही परसेंट चांस है, ऐसा नहीं है कि डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब आपका जो है चैम्पियन है हमारा एंशिएंट शार्ड या फिर सीक्रेट शार्ड से आपको ये चैम्पियन मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा शार्ड है तो आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए कि नहीं। तो वो चैम्पियन है हमारा फिकिया फ्लेम टंग। तो देखने में तो बहुत ही कमाल का चैम्पियन है और डीमन स्पॉन का चैम्पियन है। ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे डीमन स्पॉन के चैम्पियन है पर फिर भी हमारा और ये नया चैम्पियन नहीं, ऑलरेडी है हमारे पास, ऑलरेडी कई लोगों के पास ये चैम्पियन है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो है लेजेंडरी चैम्पियन है और फोर्स एफिनिटी का है, और साथ साथ अगर हम देखें तो इसके पहले हम बेस स्टैट्स देखते हैं कि क्या है। तो डीमन स्पॉन में जाते हैं और ये री, तो बेस स्टैट्स ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि एज यूजुअल अटैक चैम्पियन है, पर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ लेजेंडरी चैम्पियन की जो होती है एचपी तो एटलीस्ट 15 या 16 हज़ार तो होनी ही चाहिए। फिर वो लेजेंडरी चैम्पियन का क्या फ़ायदा, उसकी हाँ स्किल्स जो होती हैं वो थोड़ी बढ़िया होती हैं रेयर या एपिक चैम्पियन से, पर फिर भी यार एचपी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। पर हाँ आप देख सकते हैं डिफेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है और एटलीस्ट 300 से 400 है यूजुअली अटैक चैम्पियंस का डिफेंस, 600, 700, 800 तक होता है, तो वो थोड़ा ठीक है, स्पीड हमारी डिसेंट है। तो आइए बात करते हैं इसकी स्किल्स की। तो सबसे पहले है अटैक 1 एनिमी 3 टाइम, तो 3 बार अटैक करेगा, 15% चांस ऑफ इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ एचपी बन, और बुक करते हैं तो 30% हो जाता है। तो अगर हम लगाएं तो अगर आप इसको बुक भी नहीं करेंगे तो और एक्यूरेसी आपकी 200-250 के आसपास होगी, तो मेरे को नहीं लगता कि ये एचपी बन जो है ड्यूरेशन वाली यूज़ नहीं होगी, क्योंकि 3 बार अटैक करने पे एक ना एक में तो आपका भैया तुक्का सेट हो ही जाएगा। बाकी तो जब इसको चैम्पियन मिलेगा वो बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर 3 बार की एवरेज निकलता है आई थिंक 45% चांस आपको मिल जाएगा आपका एचपी बन लगने के लिए, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। दूसरी स्किल है अटैक ऑल एनिमीज 80% चांस, 100% अगर आप बुक करते हैं तो वीकन लगने के लिए, वीकन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है डीबफ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डैमेज कर पाते हैं अपने एनिमी। साथ ही साथ आपका 80-100% चांस डिक्रीज डिफेंस भी लगाता है अगर 2 टर्न्स के लिए, अगर जो है 2 एनिमीज हमारे 2 से ज़्यादा एनिमीज हमारे एचपी बर्न के ऊपर हैं। तो अब इसकी अगली स्किल की बात भी करेंगे, तो अगर एचपी बर्न पे होगा तो वो डिक्रीज डिफेंस और वीकन दोनों लगाएगा, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल हो जाएगी ये, तो थोड़ा सा सिचुएशनल है। और दूसरी इंस्टेंटली एक्टिवेट्स एचपी बर्न, जो एनिमी के एचपी बर्न होगा वो उनकी बारी आने पे होता है एक्टिवेट, तो वो इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देगा, उनकी जो है बफ की ड्यूरेशन 1 टर्न कम कर देगा। तो तीसरी स्किल पे जाते हैं, प्लेस एचपी बर्न डीबफ ऑन दिस चैम्पियन, तो अपने ऊपर एचपी में लगाएगी, देन अटैक ऑल एनिमीज है 75% और अगर आप बुक करते हैं 100% चांस ऑफ एचपी बर्न सारे एनिमीज के ऊपर, तो 3 टर्न के लिए यूजुअली होता है, 2 टर्न के लिए होता है, तो 3 टर्न के लिए है वो काफ़ी अच्छा है और पूरी टीम को काफ़ी अच्छा डैमेज करता है। डूम टावर के अंदर भी मैंने यूज़ करें एचपी बर्न तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, और साथ साथ स्पाइडर के अंदर भी आप एज यूजुअली इसको यूज़ कर सकते हैं। और ग्रांट एक्स्ट्रा टर्न इफ़ एचपी बर्न डीबफ इज प्लेस ऑन ऑल एनिमीज, तो अगर ये अगर सारे के सारे एनिमीज पे प्लेस हो गई तो सबसे पहले जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वाली स्किल ऑटो पे अगर आप खेलेंगे तो ये वाली स्किल चलनी चाहिए, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है आपकी एफिनिटी अच्छी है तो आप जो है 100% चांस सारे एनिमीज पे लगा देंगे, और जैसे ही उन पे प्लेस होगा उसके बाद डायरेक्टली अपनी ये वाली स्किल जो है डिक्रीज अटैक और डिक्रीज डिफेंस आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और फिर ये दोबारा से अटैक करेगी, तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हिट हार्ड करना चाहिए।
तो ये काफ़ी है। पहले ये टर्न चलेगा, फिर उसके बाद ये टर्न चलेगा, और फिर आपके जो है कोई और न्यूकर होगा या कोई और चैंपियन होगा वो अपनी टर्न चलेगा, तो आपके जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज आप अपने एनिमी को कर सकते हैं। तो साथ ही साथ बात करेंगे इसका पैसिव की, इंक्रीज द चैंपियन स्पीड बाय 3%, डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय 3%। जितने भी एलाइड एचपी बर्न के ऊपर होंगे, तो अगर तीन होंगे तो 9 स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, 5 पे होगा तो 5 या 15, तो डैमेज भी उसका ऐसे ही बढ़ जाएगा। और कार्डियल हमारा जो चैंपियन है, आपको दिखाता हूँ कार्डियल, लेट मी सी कार्डियल कहाँ है, आई थिंक सेक्रेड ऑर्डर का है या, तो कार्डियल इसका चैंपियन है, ये इसका पार्टनर है, तो एक स्किल के अंदर इसका कॉम्बो है, सेम टीम में होगा, तो ऑल सारे एलाइज को 3% हील करेगा फ्रॉम एचपी बर्न। तो एचपी बर्न जो है उनके ऊपर नहीं लगेगा, आपके एलाइज के ऊपर, पर एचपी बर्न से जितना डैमेज आपको मिलता है, सपोज कि आपका एचपी बर्न से 4500 डैमेज मिलता है, तो वो डैमेज नहीं होगा उससे, वो आपके जो एलाइज जो है हील हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर ये आपके फायदे की ही चीज़ है कि आपके जो सारे एलाइज जो है हील हो जाएगा। साथ ही साथ कार्डियल की जो A1 है वो 7.5% हील भी करती है, तो आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल जाएगा अपने टीम के लिए। साथ साथ अगर इसकी ऑरा हम देखते हैं, तो एक्यूरेसी इन ऑल बैटल्स बाय 60 60 60, नहीं है 70 80 या 70 तो होनी चाहिए, जैसी हमारी जो है डिमन स्पॉन का कौन सा भैया है हमारा, ये इसकी है 70, और 70 काफ़ी ज़्यादा काम आती है, पर फिर भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऑरा के लिए कहीं भी। आई थिंक लैंड बॉक्स के अंदर भी आई थिंक इस चैंपियन को हम यूज़ कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सपोर्टिव चैंपियन बनाना, एचपी से भर भर के बनाना पड़ेगा या लाइफ स्टील से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, और ये हमारा था चैंपियन, और साथ साथ अगर मेरा मन कर रहा है कि बस एक सेक्रेट शार्ड मैं खोल दूँ, वैसे तो मुझे पता है मेरी लक जो है काम नहीं करती, पर मे भी 1% जो है मेरा जो है सेक्रेट शार्ड का ऑप्शन खुल जाए, तो मैं अभी ज़्यादा शार्ड जैसे बताया तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आइए खास जोड़ के सोचते हैं, एक सेक्रेट शार्ड खोल देखते हैं, मे भी हमें क्या चैंपियन मिलेगा। 99% तो एपिक चैंपियन ही मिलेगा, सॉरी 99 नहीं, 94% चांस हमारे एपिक ही मिलेगा। तो आइए खोल के देखते हैं, और 1 लाख हमारा सिल्वर गया, और क्या मिलता है हमें, लेट्स सी। ओ तो एबिस मुझे मिल गई है आपके सामने ही भाई साहब, एक सेकेट शार्ड खोला था मैंने और उसके साथ ही मुझे एबिस मिल गई है, और सेकेट ऑर्डर का ऑलरेडी मेरे पास न्यूकर है, पर आई थिंक मैं इसकी स्किल्स ज़्यादा, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, पहले इसकी रेटिंग देखते हैं, एवरेज है रेटिंग, ज़्यादातर इनकी खास होती नहीं है। तो पहले ही बात करते हैं एबिस की, तो अटैक वन एनिमी रिमूव वन रैंडम डिबफ फ्रॉम दिस चैंपियन, ठीक है ठीक है, तो ये हर बार अपनी करेगी, तो इसके लिए कोई एक्यूरेसी नहीं चाहिए, एंड प्लेस ऑन टारगेट, तो ये काफ़ी अच्छी है स्किल है A1। अटैक ऑल एनिमी, सॉरी अटैक ऑल एनिमी 70% 75% चांस बुक करते हैं, 100% चांस ऑफ डिक्रीज डिफेंस। और दूसरी अगर हम देखें तो अगली स्किल है इसकी, अटैक ऑल एनिमीज प्लेस स्लीप डीबफ ऑन दिस चैंपियन, ओके स्लीप अपने पे लगा लेगी, डैमेज इन्फ्लिक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू आइदर चैंपियन अटैक और डिफेंस, जो भी आपका हाईएस्ट, अगर आपका डिफेंस ज़्यादा होगा तो दिस चैंपियन आइदर जिस चैंपियन अटैक और टारगेट डिफेंस, ओके इसका अगर अटैक ज़्यादा होगा तो ठीक है, अगर इसका अटैक सपोज 4000 है, और एनिमी का अगर डिफेंस या अटैक 4500 है, तो ये जो है उसके हिसाब से डैमेज करेगा डील्स। और हम यहाँ देखते हैं पैसिव के ऊपर, डील्स एक्स्ट्रा 30% क्रिटिकल डैमेज, ओके इफ टारगेट अटैक, तो अगर अटैक चैंपियन पे आप करेंगे तो अटैक आपका बढ़ जाएगा, इग्नोर 30% ऑफ टारगेट डिफेंस इफ द टारगेट डिफेंस इज हाईएस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशनल चीज़ है, तो इसीलिए आई थिंक इसको ज़्यादा रेटिंग नहीं मिली थी, इसीलिए आई थिंक इसकी या पैसिव है आई थिंक, या नहीं स्किल है अटैक ऑल एनिमी, सॉरी हाँ ठीक है यही वाली हमारी स्किल है। और बात करते हैं इसकी ऑरा की, तो 34% अटैक है, और या आई थिंक इसको मैं बिल्ड कर लूँगा, क्योंकि मेरा सेक्रेट ऑर्डर का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डम्बल डाउन है इसके अंदर, फैक्शन वॉर्स के अंदर। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आपके सामने ही था भाई साहब एक शार्ड मैंने पुल किया, मैं दुखी नहीं हूँ, आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, एक लेजेंडरी चैंपियन हमें मिला है फ्री का, जो डूब भी नहीं है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सभी के लिए नहीं, वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।